वेवर आज हमने बनाई है सेवियां दूध वाली, तो आए देखें कि मैंने किस तरह बनाई है और इसमें क्या डाला है। फटाफट बनने वाली सेवियां, खंड वाली सेवियां वेवर, मीठियां सेवियां, ठीक है जी। ये देखो, तो ये देखें, ये जो मैंने बनाई है सेवियां, तो आए देखते हैं कि किस तरह बनाई है मैंने सेवियां और इसमें क्या डाला है। फटाफट बनने वाली सेवियां, आए बनाते हैं सेवियां जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम इटालिया पाकिस्तान मिक्स चैनल। व्यूअर क्या हाल है आपका, आप कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि आप सब सही होंगे, खैरियत से होंगे, अल्लाह के रहमत से होंगे। चले जी, मैं आज पकाने लगी हूँ मीठिया सेवियां। मीठिया सेवियां यानी दुध वाली सेवियां। तो ए व्यूअर, एक कटोरी सेवियां दी होनी जी मिली, तो दुध है डब्बे वाला, इडली च इस तरह के दुध मिलता डब्बे वाला, तो मैं दुध वाली सेवियां मीठिया बना लगी हूँ। तो आओ फटाफट मीठिया सेवियां बनाने हैं, तो देखने हैं किस तरह बनाने हैं। व्यूअर है, मैं ऊपर रख देता है सॉस पैन यानी देगची, इसमें डाल दी मैंने सेवियां, दरमियानी सी मैंने आँच की है, तो इनको मैं थोड़ा सा भूनती हूँ, तो फिर मैं आपको आगे दिखाती हूँ कि मैं किस तरह बना रही हूँ। वैसे तो हर किसी का अपना अपना तरीका होता है, लेकिन मैं इस तरीके से बना रही हूँ तो आपको दिखा रही हूँ। व्यूअर, एक तो 2 मिनट लगे हैं, तो सेवियाँ हो गई हैं तैयार, भुनिया गई हैं, ये देखो लाल हो गई हैं। डाल दी इसमें दूध, ये देखो, तो ये तकरीबन 1 कटोरी सेवियों की, जिसमें मैं आधा किलो दूध डाल रही हूँ। फिर मैंने दूध डाला है सेवियों के अंदर, तो मैं इसमें चम्मच चला रही हूँ, 1 से 2 मिनट इसको पकाती हूँ, फिर मैं आपको आगे दिखाती हूँ। व्यूअर, ये मैं कुछ ले रही हूँ बादाम वगैरह, ये देखें, ये मैंने पिस्ते लिए हैं, तकरीबन 2 चम्मच होंगे कटे हुए, और ये बादाम है, ये भी 2 से 3 चम्मच है कटे हुए, और ये नारियल, कोकोनट जिसे कहते हैं या गिरी कहते हैं, ये कश्की हुई है, ये भी 2 चम्मच है, और ये मैंने छिलकों वाले थोड़े से बादाम लिए, और ये मैंने 2 से 3 इलायचियाँ ली हैं जिनके मैंने छिलके उतार लिए, और मैंने इनको, ये देखे, इसमें ना लंगरी में कूट लिया, क्योंकि अगर साबुत डालो तो दाने मुंह में आते तो अच्छे नहीं लगते, जायका नहीं आता, अपनी अपनी पसंद है, हमें अच्छा नहीं लगता। अगर आपको पसंद हो, अच्छा लगे, तो आप अपनी मर्जी के मुताबिक साबुत इलायचियाँ भी डाल सकते हैं। अगर 1 से 2 मिनट लगे ना सेवियाँ आदि गई ने पक, तो इसके मैं डालने लगी हैं, देखो, सब्ज इलायची का पाउडर और छिलके, तो ये सारे जो मैंने लिए थे बादाम, पिस्ते, खोपरा, गिरिया बादाम, सारा कुछ डाल देने लगी इसके अंदर। इनको मैं अभी 1 मिनट के लिए और पकाती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अगर ये मैंने 2 मिनट के लिए इनको सेवियों को पका लिया बादाम वगैरह डाल के, तो अब इसमें मैं डाल रही हूँ चीनी यानी कि खांड। ये देखें, मैं ये चाय खाने वाले जो चम्मच है ना, ये तकरीबन 4 चम्मच डाल रही हूँ, तो आप अपने जायके के हिसाब से डालिए, ये आपको चीनी कम पसंद है या ज़्यादा पसंद है, हमारी वैसे भी चीनी भरी थी और ये थोड़ी ज़्यादा लगती है मोटे वाली में। व्यूअर, आगे मेवे ने तो मैं डालने भूल ही गए सर, हूँ मैंने याद आया कि मेवे तो डाले नहीं है मैंने, तो चलो अब मैं इसमें ये मेवे भी डाल रही हूँ। ये देखें, आप चाहें तो आप पकने के बाद भी मेवे डाल सकते हैं, लेकिन मैं सारे कुछ बीच में डाल रही हूँ। लो जी व्यूअर, सेवियां साड़ी गई ने पक, बड़ी सोहनिया, देखो गाढ़ियां भी हो गई ने, तो इस तुम ज़्यादा गाढ़ियां करा, तो फिर तो इन्होंने सानू छुरी नहीं कटना पेगा, लिहाजा मैं चूल्हा कर दिता है बंद, तो चीनी थोड़ी देर पहले डालने का मकसद यह है कि चीनी सेवियां ची दर चलती अच्छी जी, फिर सेवियां हो गई तैयार, मैं करनी हूँ डिश आउट करनी खानी है। फिर व्यूअर, ये देखो, ये मैंने सेवियां कर ली हैं जी डिश आउट, डिश आउट की प्लेट च डाली हैं खाने वास्ते, ठीक है जी। यह देखो कितनी प्यारियां साड़ियां सेवियां हो गई तैयार, तो तुम भी बनाओ तो खाओ तो इंजॉय करो, 2 से 3 मिनट नहीं लगते, सेवियां फटाफट तैयार हो जाएं। तो ये असं चाहते इजाजत, तो वीडियो साड़ी वेखो, कमेंट करो प्यारा जहाँ, तो लाइक करो, तो अल्लाह तुहानू खैरियत न रखे जिथे भी रहो, अल्लाह दे हिफ्ज़ो अमान च रहो, ठीक है व्यूअर, ओके, अल्लाह हाफिज़।